2.6 गुना ज़्यादा है, मतलब ढाई गुना से ज़्यादा जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, जिसका श्रेय सरकार के अभिनव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को जाता है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आय भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे अधिक है। तो अध्यक्ष जी, अगर हम 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करें तो फिर दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली देश में सबसे अधिक मिनिमम वेजेस वाले राज्य के रूप में उभरा है। इससे पता चलता है कि न केवल दिल्ली की एक आम निवासी की औसत आय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है, बल्कि देश के सबसे गरीब लोगों की मिनिमम वेजेस भी देश में सबसे अधिक है। यह दिल्ली के आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र में है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और लोग अपनी आय के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। अध्यक्ष जी, मैं अब रिवाइज एस्टिमेट के बारे में बात करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के अप्रूव्ड बजट एस्टिमेट की तुलना में प्रपोज्ड रिवाइज एस्टिमेट 72,500 करोड़ रुपए का है। 72,500 करोड़ रुपए का प्रपोज्ड रिवाइज एस्टिमेट 21-22 में केवल 61,172 करोड़ रुपए के एक्चुअल एक्सपेंडिचर से 18.52% अधिक है। रिवाइज एस्टिमेट 72,500 करोड़ रुपए में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 53,296 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 19,204 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरी जो कमिटेड लाइबिलिटीज के लिए 2022-23 के अप्रूव्ड बजट एस्टिमेट 32,200 करोड़ रुपए से बढ़कर रिवाइज एस्टिमेट में 33,800 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए रिवाइज एस्टिमेट 2022-23 में 38,700 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अप्रूव्ड बजट एस्टिमेट में यह 43,600 करोड़ रुपए था। अध्यक्ष जी, अब मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के दौरान रिवाइज एस्टिमेट में 159,17,00,000 रुपए की द्वितीय व आखिरी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, अब मैं इस सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष 2022-23-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, सभी को पता है, इस सदन को के सभी सदस्यों को भी पता है कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 2014-15 का 30,940 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था। अत्यंत हर्ष के साथ
मैं वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। तो अध्यक्ष जी, 2015 में 41,129 करोड़ रुपए का जो बजट था, वो आज 2023-24 में 78,800 करोड़ रुपए का बजट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014-15 के